तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले वाले वीडियो के अंदर लॉन्च ने हमको टीएन ढूंढने के लिए कहा था। हमने टीएन को ढूंढ भी दिया। अब जैसे टीएन को ढूंढ दिया तो वो कहती है कि यार इतनी जल्दी क्यों ढूंढ दिया तुमने, अब तो यार ढूंढने की भी कह रही है और कह रही है इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ उसे मैं, मेरे से नहीं ढूंढ रहा। तो यार हमने एक तो जल्दी ढूंढ के उसकी मदद कर दी, जब भी यार वो समझे नहीं तो हमने यार जल्दी ढूंढ दिया। तो उसकी वजह से कह रही है कि अब आप, अब तुम ऐसा करो कि उसे थोड़ा सा बिजी रखो, मैं फिर थोड़ी देर में जब तक तैयार हो लेती हूँ। तो गाइस देखो यार कितनी बिना बात की परेशानी आते जा रही है। अभी तो गोकू को पिकोलो और गोहान के साथ में ट्रेनिंग भी करनी थी अपनी, उस ट्रेनिंग को छोड़ के मास्टर रोशी के पास हो गया यार। और इस चीज़ का लॉन्च यार हमारे से फ़ायदा उठा रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार। अभी इतनी अच्छी वाली ट्रेनिंग को हम मिस कर रहे हैं, बट यार इतने टाइम में तो यार मेरे हिसाब से पूरा टाइम निकल जाएगा और 3 साल भी हो जाएंगी, जो मैं 12 भी आ जाएगी और फिर यार कुछ ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। बस यार थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग है ना वो ये रोबोट्स कराए दे रहे हैं मेरी, तो ये रोबोट्स को ढंग से पीटने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा बहुत यार फाइट करने को तो मिल ही जाता है, बस एक ही बार मैंने पकड़ा और गोहान से फाइट करी। और यार देखो ये लेजर छोड़ रहा है इसकी, ऐसी की तैसी मेरे कमजोर होने पे छोड़ रहा है अभी तो उसको देखा काम है। हाँ हाँ, और यहाँ पर बिल्कुल 25 का कॉम्बो बन गया, इसको भी पेलना पड़ेगा, ऊपर जाके ज़्यादा हल्ला कर रहा है ना। ओ भाई साहब साइड वाले ने मेरे को लेजर छोड़ दी, इसकी वजह से इस पर पूरा ध्यान गया था। तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा अबे कुत्ते, तेरे से बढ़िया तो भाई कुत्ते ही होते हैं यार, तू कुत्ता भी नहीं है तू और बेकार है। रुक तेरे को भी घूसे देता हूँ, तुम्हारी ऐसी तुम्हारा है ना पूरा नामो निशान मिटा दूंगा इस पथरी पर से। अभी इनका है ना मुँह ही मुँह पे दूंगा और पूरा सारा सीन चेंज कर डालूंगा। ये छोटा सा रोबोट भी भाई देखो इसके इतने तेवर आ रहे हैं, इसको तो पेलना पड़ेगा मेरे को। बस ये छोटा सा रह गया था भाई, ये भी ख़त्म कर दिया। और चलते हैं यार जल्दी से टीएन के पास में चलते हैं यार, टीएन का थोड़ा सा ध्यान भटकाना है हमें। और यहाँ पर पहुँचते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं टीएन से, जल्दी से पहुँचता हूँ। गुंडे आ रहे हैं, अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई बात करने से पहले ही सामने आ गए नहीं तो मैं पूरी किया खड़ी कर देता हूँ। रुको अभी तो बात करने के, जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बात करने के बीच में तुम कैसे आ गए? एक तो भाई पहाड़ में उछड़ दिया मैंने, ये कहाँ पर धरा पड़ा रह गया, इसको तो पूरा ढंग से सेट कर देता हूँ घूसे लात से। ये ऐसा काम हो गया। और भाई एक असिस्ट रोबोट चल रहा है भाई, वो बार बार इनकी मदद करे जा रहा है यार। ये है ना छोटे रोबोट भी काफ़ी अजीब है यार, जब बड़ा रोबोट भी इतनी बुरी तरीके से पिट पिट के भटके जा रहा है तो यार ये कौन सी बड़ी खेती मिली है। तो इसकी ऐसी वाट लगाते हैं ना, बताते हैं यार इसने तो मेरे को धर दिया बिल्कुल नीचे की तरफ में ले, ये तो गायब कर दिया इसका सीन तो हमने गायब कर दिया। अब ये रह गया इसका तम, तेरा तो आज यहाँ पे पूरी आग लगा दूंगा। आग लग गई भाई, ब्लास्ट हो गया वो। और ये अब वापस आ गया भाई, देख क्या रहे थे तुम, बचाने नहीं आ सकते थे मेरे को, पहले तुमको ही मारना पड़ेगा लग रहा है। बताओ बस ऐसे खड़े होकर देख रहे। तो टीएन कह रहा है गोकू, तो गोकू कहता है तो मेरे को किसी ने कहा था तुम्हें ढूंढने के लिए, और यही कह लो कि वो रियली 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 तुम्हें देखना चाहती है। तो टीएन कहता है मैं एक्चुअली यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से फिर से आगे और बढ़ दूंगा। तो गोकू कहता है सीरियसली, ये बहुत बेकार है, क्या तुम थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते? तो टीएन कहता है अच्छा शायद हम एक डील कर सकते हैं, मैं अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट को चेक करूंगा तुम पर। तो गोकू कहता है बस यही है, इतना ही है, गोली मारो अब मैं ये काम तो फ्री में ही कर दूंगा। टीएन कहता है हमें एक दूसरे से जुड़े हुए काफी टाइम हो गया, अब लो मैं आया। तो यहाँ पर यार फाइट हो गई, अब इसका भूत बना देता हूँ, इसके ना चार आंख बना दूंगा इस बार में मार मार के, भूसा पेट ही पेट में दूंगा। पेट दर्द तो सही कर ले पहले, जब आप फाइट करने के लिए, अरे भाई साइड से दे रहा है पीछे से आगे, क्या मस्त दे डाला मैंने तो। और ले अभी कहाँ भागे जा रहा है भाई तू, अभी कौन सा अटैक करेगा? सोलर फ्लेयर भाई, ये तो क्रिलिन वाला अटैक है। अब थोड़ी देर के लिए यार मैं देख ही नहीं पाऊंगा, तो भाई ये जब तक मेरे को पीटता रहेगा, अब इसे बताता हूँ, इसको देता हूँ अब अपना स्पेशल। अरे यार पंच देने वाला था मैं और इसने ऐसी तैसी कर दी पूरी मोड़ की मैंने भी इसके पेट की ऐसी तैसी कर दी। पर आजा आजा भाई और कर ले ट्रेनिंग मेरे से, भाई मेरे को मारने के लिए आया था, ट्रेनिंग करेंगे भाई साहब। सुपर सैयान और एक आम इंसान में अंतर नहीं दिखाई दे रहा यार, इतना तो पता होना चाहिए। कैसी बात करता है भाई, कि तू कितनी भी ट्रेनिंग कर लियो पर सियान तो सियान ही रहेगा भाई, गोकू गोकू रहेगा। भले ही सियान उसको तू हरा दे किसी और सियान को, पर गोकू सियान को तो तू किसी हालत में नहीं हरा सकता। और ये चीज़ मैं अभी तेरे सामने प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर।
अरे भाई साहब कैसी मेरे पर अटैक करने वाला था वो, तो अच्छा घूसा मार दिया मैंने वैसे इसको, अब लात घूसे से ना पूरा भर देता हूँ पहाड़ में। हाँ अब मजे ऐसी की तैसी, हम पर जादू अटैक करेगा मायावी इंसान, अब तेरे को दूंगा घूसे ही घूसे मुँह ही मुँह। चलो पास में जाता हूँ उसके, तो पास में जाकर घूसे दूंगा। अरे भाई दूर चले गया भाई साहब, यार ये दूर और चले गया नहीं तो यार मस्त वाले घूसे होते। चलो अब डिनर भाई क्या मस्त दूरी पर ठीके जा रहा है, इतने मस्त मस्त घूमते जा रहे हैं ये तो। यार इसका ये अटैक काफ़ी ज़्यादा अजीब और खतरनाक है यार, और सब तो यार सर्कल वाली स्टाइल के अंदर अपनी देखो फेंक रहे हैं, ये तो ट्रायंगल वाली स्टाइल में फेंक रहे लाए। तो यार कर क्या रहा है भाई, मतलब पिटना बहुत बुरी तरीके से चाह रहा है, कह रहा है कि अभी इतना बेकार कम ही पिटाऊँ मैं और बुरी तरीके से पीटूँ। बेकार तरीके से पीट रहे हो तुम मेरे को, अच्छी तरीके से पीटो, ऐसी तरीके से पीटो कि उठ ही ना पाऊँ। तो यार ये ऐसा कह रहा है तो अब इसको पीटना तो बनता है यार। और यार देखो आराम से हारने वाला है, अब आपको भी दिखाई दे रहा होगा पावर का इतना बड़ा डिफरेंस। तो ले तेरे को अब बताता हूँ, यहाँ से तू ब्लास्ट दिए जा रहा है ना सोलो प्लेयर, यार इससे बचने का कोई तरीका नहीं है क्या, इससे कैसे बचा जाएगा यार, ये तो मार ही देता है, तू मार ही देता है फिर सोलो प्लेयर, फिर नहीं रोक सकते यार ऐसी की तैसी। सोलर फ्लेयर चलाएगा हम पर, बचता हूँ भाई, इसकी लेजर भी बड़ी खतरनाक है। अब लेकिन ये घुसे, अब देखा उसे लात घुसे दोनों मिला के, ये 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 खा, ये खा तू, अरे पीछे से खा ले। हाँ तो आज सब कुछ आप चला दूंगा जो इतने सालों से तू अपने दिमाग में भूल के बैठा हुआ है। ये तो मर क्या गया तू, तो अपने आप को बहुत बड़ा कपड़म खास वगैरह, तो आज तो तेरी मैं ढंग से ही वाट लगा देता हूँ वापस से। हाँ ये वाली फॉर्म में आ जाता हूँ ना फिर तो सबकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ। ले घूसे खा तू, लात घूसे सब कुछ खा तू, बस खाते जा, मना मत करना खाने से। अरे यार बस डैमेज करके फिर तू कर रहा है ये, रुक तेरे को बताता हूँ। हर इंसान के ऊपर कुछ ज़्यादा रॉब जमा आता है ना जब मैं घायल हो जाता हूँ, आगे तेरे को बेहोशी कर दूंगा मार मार के, खत्म भाई इसका काम खत्म हो गया पूरा। मस्त मारा है इसे आज, इसके बिल्कुल चांद सपाट कर दिए मैंने, मतलब इसका सर सपाट कर डाला बिल्कुल। तो भाई घुटने टेक दी देखो इसने हमारे सामने, और वैसे घुटने टेकेगा भी क्यों नहीं, इसको टेकना पड़ता भाई, नहीं तो इसको और ज्यादा मारता मैं। वो कह रहा है यहाँ पर टीएन तुम काफी स्ट्रॉन्गर हो चुके हो पहले से, तो टीएन कहता है इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ मैं, पर हाँ पहले से तो थोड़ा बहुत हो ही गया हूँ स्ट्रॉन्ग। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस गेस्ट से मिलूंगा, तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई की वजह से मैंने कुछ नई चीजें ढूंढी है जिनको मेरे को इम्प्रूव करना होगा। तो अब टीएन चैसू से कहता है कि मेरे को लगता है कि अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम तक ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। तो चैसू कहता है हाँ टीएन करो बिल्कुल, तो टीएन कहता है थैंक्स बाय द वे, कौन है जो मेरे से मिलना चाहता है। तो अब देखते हैं गोकू क्या जवाब देगा। गोकू कह रहा है अरे वो हिस्सा बताना तो छूट ही गया यार, अपना गोकू भी बहुत बड़ा भुलक्कड़ है। ओ हाँ वो लॉन्च है यार, ये सुन के तो टीएन बिल्कुल शॉक हो गया, उसके तो होश ही उड़ गए, पता नहीं क्या है लॉन्च के अंदर ऐसा जो उसके होश उड़ गए। तो टीएन कह रहा है कि पर प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, उसे बोल दो कि मैं यहाँ पर हूँ, वो मेरे को यहाँ पे आके ढूंढ सकती है। तो यार अपन का ये काम तो हो गया, अब कौन सा काम है नया, कामे हाउस की तरफ में जा रहे हैं वर्ल्ड मैप पे। तो यार वर्ल्ड मैप को जल्दी से खोलते हैं और कामे हाउस पे चलते हैं, है ना। तो यार ये रहा कामे हाउस और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यस चलते हैं वहीं पर ही। तो यार ये आ रहा है गोकू बड़ी स्पीड के अंदर, तो यहाँ पर देखो हम पहुँच गए और थोड़ा सा इनको परेशान करता हूँ। देखो यार मैं साइड साइड देख रहा हूँ तो वहीं वहीं पर ये दोनों के दोनों देख रहे हैं। चलो काफ़ी मजाक हो गया, इनसे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो लॉन्च बोल रही है कि हे मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ पर वापस आ गए, अच्छा तो तुम्हें टीएन मिला क्या। तो वो कहता है हाँ मिला, और सुनो लग रहा है गोकू ने पूरी कहानी बता दी। तो फिर गोकू बोल रहा है कि बस तुम उस जगह पर जाओ जिसकी मैंने तुम्हें बताई थी, वो उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो लॉन्च कहती है कि इसको बनने में काफी टाइम लगा, लॉन्च कहती है थैंक्स और ये तुम्हारे लिए। तो देखते हैं यार क्या चीज मिली हमें यहाँ पर। तो ये है सेलेक्ट बीस्ट मीट, हाई क्वालिटी वॉल्फ मीट, और एक ये शाइनी राइस। तो
तो यार ये सारा सामान मिला है और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लॉन्च कह रही है कि मैंने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ खाना तैयार किया है और जो बचा कुचा है वो तुम रख सकते हो। तो गोगू कहता है थैंक्स, तुम मेरे को जानती हो कि मैं फूड की कभी मना नहीं करता। तो लॉन्च कह रही है कि अपनी टोपी पकड़ो टियान, अभी मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ। तो यार उसी दौरान वेजिटा की ट्रेनिंग काफी बढ़िया चल रही थी और यार ये ग्रेविटी रूम के बाहर में बहुत ज्यादा हाँफ रहा है और वेजिटा कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा बस अपने आप को और आगे की तरफ ढकेलूं तो मैं एक सुपर सैयन बन जाऊंगा। तो यानी कि काफी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है यार वेजिटा की। तो डॉक्टर बीफ्स आके कहता है तुम हमेशा की तरह काफी मेहनत से काम कर रहे हो। तो वेजिटा कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो फिर डॉक्टर बीफ्स बताता है मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन करे हैं ट्रेनिंग रूम के अंदर। वेजिटा फिर कहता है कि ओ तो दिखाओ फिर मेरे को कि तुमने क्या किया है। डॉक्टर बीफ्स बोलता है कि चलो मेरे साथ, मेरे को पता था कि तुम काफी इंटरेस्टेड हो गए इस चीज के अंदर। तो डॉक्टर बीफ्स यहाँ पर आकर कहता है कि ये हमारी नई रिसर्चर है, मैंने जो हायर करी है, ये हमारी ट्रेनिंग रूम को अपग्रेड करने वाले काम में मदद करेगी और इसके साथ अच्छे तरीके से रहना। तो रिसर्चर कह रही है कि मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वेटर कहता है ठीक है। फिर आगे बताती है रिसर्चर कि मेरे को कुछ नए इसके फीचर बताने दो।